तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ हुमैद सबासी बैक विद अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, यहाँ पर सैमसंग ने हमें कुछ टाइम पहले बताया था कि वो अपने नोट 10 लाइट एंड सैमसंग एस 10 लाइट को लॉन्च करेंगे, जो कि उनके नोट सीरीज एंड जो कि सैमसंग एस सीरीज़ है उसके अंदर उनके जो है लाइटर वेरियंट्स होंगे, जो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेंगे एंड लाइक एक अपर मिड रेंज के अंदर काफ़ी अच्छे डिवाइसेज होंगे दोनों। तो यहाँ पर हमें जो लीक रिव्यूज मिल रहे हैं वो ये हैं कि ये दोनों के ही दोनों डिवाइसेज जनवरी के और फरवरी के दरमियान टाइम में लॉन्च की जाएंगी सैमसंग की तरफ से। एंड या जो हम मैं बात कर रहा हूँ नोट 10 लाइट के बारे में, यहाँ इसके बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स आए हैं जो कि आपको सुन के बहुत अच्छे लगेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, यहाँ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें नोट 10 लाइट के कुछ लीक्स एंड रूमर्स मिले हैं जिससे हमें ये बात पता लग रही है कि कैसा होने वाला है एक्चुअल में ये वाला फ़ोन। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्चुअल में अच्छा लगा ये वाला फ़ोन। इसमें आपको जो कि सामने एक तरह से मैं बात करूँ ना, हमें एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये फ्लैट डिस्प्ले है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमें पता है कि सैमसंग एस सीरीज़ में भी और नोट सीरीज़ में भी एज पैनल देता है, जबकि इसमें एजेस होते हैं कॉर्नर पर, बट इसके अंदर एक फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है जैसे सैमसंग नॉर्मल ए सीरीज़ और सब में होते हैं, उस तरह का फ्लैट डिस्प्ले उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक पंच होल डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलने वाला है और ये सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा हमें एस 11 में देखने को मिलने वाला है और नोट 10 में भी हमें देखने को मिला और आने वाले A51 A57 जैसा ये वाला फ़ोन होने वाला। तो अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये डिज़ाइन वाइज होप सो डिज़ाइन वाइज ये A51 A57 से रिजेंबलेंस रखेगा एंड S11 से भी रिजेंबलेंस रखेगा ये नोट 10 लाइट, क्योंकि इसका जो कैमरा शेप है ये एल शेप डिज़ाइन है, ये वैसा ही कैमरा शेप डिज़ाइन है जैसे हमें iPhone 11 Pro में देखने को मिलता है, वैसा ही सिमिलर कैमरा डिज़ाइन है। और जैसे आपको पता था 2020 के जो ट्रेंड है वो यही है कि ऐसे कैमरा सेटअप जो कि हमें स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये वाला फ़ोन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि एक मतलब कम प्राइस में आपको एस पेन भी देखने को मिलेगा इस फोन में, क्योंकि आपको पता है एस पेन के अंदर काफ़ी कुछ अमेजिंग कमाल के फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और ये कुछ 1 लाख से ऊपर के प्राइस टैग में लॉन्च किया जाएगा, जो एक अच्छा प्राइस टैग है मेरे ख्याल से। तो अगर इसकी फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको पंच होल कैमरा देखने को मिलने वाला है। अगर बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर आपको ये 4 क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एंड ही एल शेप कैमरा डिज़ाइन में है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ कोई फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को नहीं मिलता, इसका यही मतलब है कि जो उसकी स्क्रीन होगी वो सुपर एमोलेड होगी एंड एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, एक अच्छी चीज़ है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि सैमसंग का एक्चुअल में होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर USB टाइप सी भी पोर्ट्स में देखने को मिलने वाले। दोस्तों पहले हमें ये लग रहा था कि शायद नोट 10 लाइट ना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसमें बूटिंग एनिमेशन भी हमें लाइव लीक के देखने को मिलती है। इसमें वो साफ साफ ये नज़र आता है कि नोट 10 लाइट है एंड काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर देती है ये वाली लीक। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं नोट 10 लाइट के बारे में, तो और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा एंड अगर आपको मेरे चैनल पसंद है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मुझे दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।